आमतौर पर आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन ने अपने फोन के कीबोर्ड में अपने खुद की फोटो लगा रखी है, तो कुछ पर्सन ऐसे हैं जो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं या जन्मदिन की हार्दिक बधाई आपको हिंदी में टाइपिंग करके भेजते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि ये किस तरह से पॉसिबल है? क्योंकि आमतौर पर ये ऐसा हिंदी में टाइपिंग करना और जैसे पिक वगैरह एडिट करके लगाना अपने फ़ोन के कीबोर्ड में, ये ऐसा फ़ोन के अंदर तो आता ही नहीं है। कोई ऐसी ही ट्रिक है जो ये अप्लाई कर सकती है? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा पूरी तरह से, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू रखिए। तो सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और टाइप कीजिएगा गूगल इंडिक कीबोर्ड। इस तरह से एक टाइप करोगे तो आपके सामने वो एप्लीकेशन खुल जाएगी, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस एप्लीकेशन का, तो आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ओपन करते ही आपके सामने तीन चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, उर्दू, इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेज है इसमें, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड पर जैसे ही जाएंगे हम, तो ऊपर हमें देखने को मिलेगा थीम का ऑप्शन। थीम के ऑप्शन में जाते ही हमें इधर माई इमेज का जो ऑप्शन देखने को मिलता है, वहाँ से हम कोई भी इमेज चूज करके एक अच्छी फ़ोटो डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये इमेज चूज कर ली अपनी, तो इसको मैं किसी तरह सेट कर देता हूँ कि क्या दिखना चाहिए हमारे कीबोर्ड के अंदर। तो ये जो चीज़ है ये ओबेसिटी की है या ब्राइटनेस की है, आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ से कि कितना हमारा फ़ोटो दिखना चाहिए, कितना नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अभी मैंने इसे सेट कर लिया और अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अभी हम और ऑप्शन देखते हैं, तो हमें छोटे बड़े ऑप्शन देखने को मिलते हैं, साउंड ऑन की वेस का, इस तरह से वाइब्रेट ऑन की वेस, इस तरह शो वॉइस इनपुट बटन, इस तरह से छोटे बड़े ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। नीचे है कीबोर्ड हाइट का ऑप्शन, तो हमें नॉर्मल हाइट रखनी है या बड़ी हाइट है, इस तरह से इसमें भी ऑप्शन ये हमें मिल जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि हिंदी में टाइपिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से हिंदी लैंग्वेज सेट करेंगे कीबोर्ड के अंदर, वो आप देखिए। तो ऊपर के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा इनपुट एंड लैंग्वेज का, इस तरह से, तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने थोड़ी बहुत लैंग्वेज आएगी कि किस तरह से किसको किस लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना है या चेंज करना है। क्योंकि अक्सर हिंदी में टाइपिंग नहीं होती है, वो इंग्लिश टाइपिंग को हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश वर्ड से हिंदी में टाइपिंग की जाती है। तो इस तरह से मैंने सेट कर लिया। अभी मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने हिंदी पे ऑप्शन पर क्लिक कर रखा है, तो मैंने TECH टाइप किया तो टेक लिखा गया, और SAMAJSDARA टाइप किया तो समझदारी लिखा गया है। अब मैं इसे सर्च कर देता हूँ तो मेरा चैनल खुल जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं हिंदी टाइपिंग। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं मिलता हूँ वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें टेक समझदारी चैनल को और देखते रहिए लेटेस्ट स्मार्टफोन टेक्निकल वीडियोज़।